नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, ये आज मैं आपके साथ खोजे और जाने विषय पर बातचीत करूँगी। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम एक वीडियो ज़रूर बनाएं कि चौथे दिन गणित में क्या करना है और कैसे पढ़ाना है, खोजे और जाने कैसे बनाना है। आइए देखते हैं एक बार। देखिए, ये क्लास 3 का सप्ताह 1 का खोजे और जाने हैं। 3 दिन के लिए तो शिक्षण योजनाएं संदर्शिका में दी हुई हैं। हमको बनाना कौन कौन सा है? खोजे और जाने एक प्रोजेक्ट कार्य बनाना है, पुनरावृत्ति यानी समेकन शिक्षण योजना बनानी है, और रेमेडियल। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जब भी ARP आते हैं तो शिक्षण योजना मांगते हैं, तो शिक्षण योजना जो आपको बनानी है वो पुनरावृत्ति और रेमेडियल के लिए बनानी है। बाकी 3 शिक्षण योजनाएं तो संदर्शिका में दी हुई हैं। तो आज हम जो है चौथे दिन में क्या करना है उसके विषय पर बातचीत करते हैं। आइए देखें। देखिए, शिक्षण उद्देश्य है जो 3 दिन के लिए है। ये पहले दिन का शिक्षण योजना का उद्देश्य, दूसरे दिन के शिक्षण योजना का उद्देश्य, ये तीसरे दिन का शिक्षण योजना का उद्देश्य है। और खोजे जो चौथे दिन हमको काम करना है, इन 3 दिन में जो पढ़ाया गया है पहले दूसरे तीसरे दिन में शिक्षण योजना को, उसी को मिलाते हुए दिवस 4 में एक प्रोजेक्ट कार्य का निर्माण करना है, जिसमें बच्चों को स्वयं से करें। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराश है, तो हो सकता है बीच बीच में मुझे थोड़ा सा खांसी आ जाए, क्षमा करिएगा मुझे। देखिए, इसमें क्या है संसाधन में, देखिए माचिस की तिल्लियाँ, कंचे, बीज, पत्तियाँ, डंठल आदि परिवेशी वस्तुएं लेकर के कार्य करना है। चौथे दिवस के निर्देश बच्चों को देंगे। जब 3 दिन का कार्य हम यहाँ कर चुके होंगे निर्देशों पे, तो चौथे दिन हमें बच्चों को निर्देश देना है कि परिवेशी वस्तुओं से बंडल बनाओ, इस पे ही हमको कार्य कराना है। क्योंकि देखिए, ये उद्देश्य दिया है कैसे बंडलों का निर्माण करते हुए करना है। शिक्षिका बच्चों को निर्देश देंगे कि आसपास की वस्तुओं जैसे कंकड़, पत्तियां, गोली, डंठल आदि, चाहे जो भी उनके पास हो, बीज हो सकते हैं, इमली के बीज होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज, गेहूं का या चने का दाना, किसी भी चीज से बच्चों को बता देना है आपको कि बच्चों आप उनको ले लीजिएगा और 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 10 के बंडल बना लेंगे। मान लीजिए, देखिए गोली उली में बांध नहीं सकते, लेकिन एक समूह बना सकते हैं। जब वो क्लास में गोलियां लाए तो उनसे वहीं पे बनवा लीजिएगा, और डंठल को और कंक डंठल या पत्ते को धागे से बांधने के लिए कह दीजिएगा। तो ये सब चीज घर से, चौथे दिन का निर्देश में बच्चों को समझा देना है कि ये कार्य आपको घर से करके लाना है। 5वें दिन फॉलोअप कराना है कि जो बच्चा घर से करके आया है उसको 5वें दिन हमें फॉलोअप करना, आने का मतलब देखना है कि वो बच्चा क्या करके आया है और क्या नहीं करके आया है। यहाँ देखिए, संख्या को खुले और 10 के बंडल में समझना। बच्चे जो है इसी को फॉलो अप हम कराएंगे कि बच्चा 10 के बंडल और खुले में समझ पा रहा है कि नहीं, संख्या बना पा रहा है कि नहीं। देखिए, शिक्षिका फर्श पर 5 स्तंभ बनाएंगी एवं बच्चों को बंडलों को उनके समूह में रखने के लिए यानी वर्गीकृत करने के लिए कहेंगे। गतिविधि के दौरान अवलोकन करते हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, ये 5 स्तंभ ऐसे फर्श पे आप बना लीजिए, चाहे अपने उस पर एक पेज पे बना दीजिए, चार्ट पे बना दीजिए, उसमें लिख लीजिए पहले पे 2 के बंडल रखना है, या निर्देश भी दे दीजिए 2 के बंडल, 3 के बंडल, 4 के बंडल, 5 के बंडल, 10 के बंडल, और बच्चे प्रत्येक बच्चों को कह दीजिए, 2-2 या 4-4 बच्चों को समूह में बांट दीजिए। कुछ बच्चे 2 के बंडल बनाए, कुछ 3 के, कुछ 4 के, कुछ 5 के, कुछ 10 के। बस हमें अवलोकन करना है कि बच्चों को बंडल बनाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि नहीं, जो 3 दिन हमने शिक्षण योजनाओं में उनको पढ़ाया उनको मिला कि नहीं। उसके बाद अब बच्चों से कुछ प्रश्नों पर चर्चा हम कर लेंगे। बच्चों के लिए प्रश्न पर चर्चा, 2 के कितने बंडल हैं एवं उनमें पत्तियों की कितनी संख्या है। यहाँ पर बच्चों को, जो भी बच्चों बनाए हैं 2 के वाले में, तो उनसे पूछेंगे, जो 3 का होगा उनसे कुछ पूछ लेंगे, कंकड़ या पत्ती, चाहे माचिस की तिल्ली, जो भी जिससे भी उन्होंने बनाया होगा। मान लीजिए बच्चे ने कहा कि 2 के 5 बंडल हैं, तो उनसे फिर हम गिनवा लेंगे कि एक समूह 2-2 है तो कितने, कुल टोटल कितने हो गए। तो बच्चों की ऐसे संख्याओं का भी ज्ञान बच्चों को कराया जाएगा।
और मान लीजिए बच्चा बोला 10-15, तो संख्या को लिखने को भी कहा जाएगा, आप टोटल करके यहाँ लिखिए। यदि इसमें एक पत्ती है और दे दी जाए, एक पत्ती और दे दी जाए तो कितनी जाएंगी, 10 के बंडल में कितने डंठल हैं। यदि आपको 30 और डंठल दे दी जाए तो 10 के कितने बंडल बन जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग के पास समूह एक और दो दोनों के बच्चे होंगे, तो छोटे वाले बंडल हम लोग समूह एक के बच्चों के लिए रख देंगे और बड़े बंडल जो होंगे वो समूह दो के, क्योंकि ये पांचवें दिन का कार्य है, उसमें आपको पुनरावृत्ति भी करानी होगी और रेमिडियल भी करानी होगी। मैं दोनों शिक्षण योजनाएं अभी आगे बताऊंगी और कैसे इसको उनमें यूज करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन ये एक आपको प्रोजेक्ट वर्क आपके पास तैयार होना चाहिए, कोई अधिकारी तो आप उनको दिखा सकें। 64 पत्तियों में कितने 10-10 के बंडल बनेंगे और कितनी खुली पत्तियां बचेंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछने में बच्चों का तार्किक विकास होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। वो बच्चे खुद खोजेंगे और जानेंगे, तो बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। प्रत्येक समूह के बंडलों को जोड़कर अपनी कॉपी में लिखो। ये घर से करके लाने को देंगे, प्रोजेक्ट वर्क ये चित्र बनवा देंगे बच्चों को और कहेंगे जितने भी समूह तुम लोगों ने बनाया है कॉपी में आज ही लिखवा देंगे। जैसे मान लीजिए 5 है तो 2+2 ऐसे बच्चों को लिखवाते चले जाएंगे और कहेंगे ये सब आप जोड़ के घर से लेके आएंगे। सारे समूह को बच्चों कह देंगे जितना भी है घर से जोड़ के आना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है। बच्चों को कॉपी पर तालिका बनवाकर मंडल की संख्या में लिखते हुए जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये कार्य दे देंगे घर से करके ले आने के लिए। अब छठा दिन देखिए क्या करना है। छठवां दिवस प्रोजेक्ट कार्य का रिव्यू। शिक्षक सभी बच्चों से प्रोजेक्ट में दिए गए कार्य पर संवाद करके सकारात्मक फीडबैक देंगे। बच्चों के कार्य पर इस दूसरे बच्चों से भी फीडबैक लेंगे। जैसे बच्चों से चर्चा हमको करना होगा और अपना फीडबैक, जो भी बच्चे कार्य करके लाएंगे तालिका भर के लाएंगे तो उन्होंने कैसा लगा, कैसे कार्य किया, क्या सोचा और क्या कॉन्सेप्ट हुआ, सारे बच्चों पे कार्य करना है, बात करना है और जिनको कुछ कठिनाई आ रही हो उनकी मदद करना है और बच्चों से भी कहना है कि आप उनका बंडल बनाने में और लिखने में जोड़ने में संख्या बनाने में समझ सहायता करिए। बच्चों द्वारा भरी गई तालिका को देखेंगे हम चर्चा करेंगे, सकारात्मक चिन्ह जैसे स्माइली स्टार आदि देंगे ताकि बच्चों में और उत्साह बढ़े। शिक्षक बच्चों से चर्चा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उनकी सहायता की जाएगी और उनको समझाया जाएगा। देखिए आपको ऐसी खोजे और जाने बना लेना है हर सप्ताह में, क्योंकि चौथे दिन में साफ दिया है खोजे और जाने पे काम करना है और पांचवें छठे दिन का भी इसमें निर्देश दे दिए गए हैं, इसको देख करके करते रहना है। अभी मैं इसमें समेकन शिक्षण योजना इसी का बना दूंगी पहले सप्ताह का और उपचारात्मक शिक्षण योजना भी, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए और आप लोग स्वयं निर्माण भी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आएगी तो आप जरूर कमेंट में बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आप अगर ये वीडियो सहायक हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।